तो बंदा हाजिर है और आज स्टूडियो में बात करने वाला हूँ बिग बॉस 17 के बारे में। फाइनली कोई तो मौका मिला कि मुझे इस सीजन के ऊपर में कुछ वीडियो बनाने के मौके मिल रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ यार, बिग बॉस 17 के अंदर में क्या पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है कि अब हम ना टास्क देंगे ना हम कैप्टेंसी टास्क रखेंगे, हम सिर्फ एक टास्क रखेंगे कि एलिमिनेट करो। जैसे तुम एक दूसरे को एलिमिनेट करोगे फिर भसड़ हो जानी है, वही लड़ाई दिखा करके पूरा हफ्ता चला देंगे। ओके, ये बात पुरानी हो गई है, अब आते हैं एक नए टॉपिक पे कि जिस बंदे को मैं सोच रहा था कि ये भाई साहब को बनाएंगे विनर, यहाँ पे पक्का उसकी लंका लगाने की सोच ली है बिग बॉस ने। और लंका लगाने से याद आया है, इस चीज में लॉर्ड केयर के कैसे रह सकता है यार, वो भी तो आएगा इसमें योगदान देने के लिए। भाई साहब ने प्रॉपर्ली ट्वीट कर दिया है कि अगर किसी को अपनी जिंदगी की ऐसी की तैसी करानी है, इमेज की धज्जे उड़ानी है, तो वो बिग बॉस में चले जाए, बाकी सारा काम जो है बिग बॉस खुद ही कर देंगे। तो भाई मुनव्वर फारूकी के साथ में वही हुआ है, अब उसको लात मार के निकाल भी देंगे। ये तो बात है केआरके की, लेकिन मुनव्वर फारूकी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है? देखो एग्जैक्टली बिग बॉस में हुआ क्या है बता देता हूँ, जो लोग बिग बॉस देखना छोड़ चुके हैं या फिर जो भी लोग एक्स से दूर हैं, अबे हराम करो, एक्स ट्विटर से दूर है, उनको बता देना चाहता हूँ कि भाई बिग बॉस में एक नया लफड़ा शुरू हो चुका है। मुनव्वर फारूकी की जो है सेकंड नहीं रीसेंट कोई भी भाई, देखो खुल के बताता हूँ, ये वो बंदी है जो आकर के एलिगेशन तो लगा रही है लेकिन मुंह पे कह रही है हमारा बीच में कुछ नहीं है। फिर उससे पूछा जाता है क्या तुम 2 महीने से इसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ में कमिटमेंट दिया था, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई साहब ने आई लव यू बोला था। बाय द वे मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। तो बिग बॉस ने उठाया एक कॉन्ट्रोवर्शियल लड़की जिसका नाम है आयशा खान, उठा करके भाई अंदर डाल दिया और फिर आमने सामने भिड़ा दिया और बोला लो बात करो। मतलब मुनव्वर फारूकी जब उसको घर के अंदर ले जाना चाह रहा था, जब वो अंदर जाकर के मैम पढ़ना चाह रही थी, तब बिग बॉस ने बाहर से डोर लॉक कर दिया था। तो ठीक है, दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, दोनों की जब बातें शुरू होने लगती है तो इससे इतना तो समझ में आता है कि जो बाहर से बंदी आई है यानी आयशा खान, उसने पूरे तरीके से लव दिखाने के लिए मतलब एल लगाने के लिए आई है और वो लगा रही है लिटरली। मतलब बंदा एक से सुनो, अरे मैं बोला क्या, मतलब ऐसे ही बातें चल रही थी भाई। अगर तुम किसी पे एलिगेशन लगाना ही चाह रही हो तो भाई थोड़ा रुक तो जाओ, सामने वाले की अच्छे से पाड़ो, पहले बोल लेने दो झूठ बोल रहा है वो तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, बोलने तो दो यार, फिर तुम बोल दो सीधा झूठ बोल रहा है बोलने दो। लेकिन नहीं, ये मैडम ठान करके आई मैं बोलने नहीं दूंगी। चलो ये बंदी वैसी कट लेनी चाहिए, अगर ऐसी लड़की अगर लाइफ पार्टनर बने ना तो बंदा वैसे ही बोलते भाई तू जा पहली फुर्सत में जा। तो ठीक है, ये आयशा खान ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिया और उसके बाद से जो घर में एंट्री हो गई है। अब उसके बाद से जो है मुनव्वर भैया की पूरी फट के, कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझदार लोग समझ लो। तो भाई मुनव्वर फारूकी उसके बाद से रोने लग गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरे से किसी का दिल टूट गया अनजाने में तो इसमें मेरी क्या गलती है। हां कुछ ऐसे ही करके मैंने क्लिप्स देखा है, वायरल हो रहा है और उसके ऐसे सब लिख रहे हैं। हां अब मुनव्वर आया है कार्ड लेके खेलने के लिए, पूरा आधा सीजन जो है अपना स्ट्रगल, अपनी गरीबी, अपने उन सारे दिनों को याद करवा के लोगों से सिंपैथी लेता रहा है और अब जाकर के जो है एक और सिंपैथी कार्ड उसको प्ले करने का मौका मिल गया बिकॉज ऑफ आयशा खान। और आयशा खान को देख करके ऐसा लग रहा है उसको भाव ही क्यों है, मतलब अगर वो बंदा सिंगल भी होता ना, किस लेवल की खुर्राट किस्म की औरत है भाई, देख के समझ में आ रही है। और एक चीज तो और समझ में आया, जो भी लपू झंडे लोग, हाँ यही बोला मैंने, आयशा खान को देख करके अपने लार टपका रहे हो ना भाई, असलियत में देख लो कैसी दिखती है, मतलब खाला जान बन के घूम रही है घर के अंदर में। मुनव्वर उसके सामने में एकदम छोटा सा मुन्नू चुन्नू लग रहा है, डक के मर जाता वो, ठीक है जाने दो यार। बाय द वे जब तक ये सारी चीजें चल रही थी बाहर से न्यूज आ गई है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है नजीला, जिसको वो बता रहा था कि हमारा ब्रेकअप हो ही गया, समझो बस बाहर जाकर के ऑफिशियली अनाउंस करना था, तो उसने कर दिया, मतलब ऑनलाइन लोलो पोचो किया, उसके बाद से ऑनलाइन ही ब्रेकअप कर लिया। गॉड ऑनलाइन बच्चा पार्सल नहीं कर दिया। ओके, मेन मुद्दे पे आता हूँ कि मेरा क्या टेक है इन सब चीज के बीच में। देखो जितना सुनने को आ रहा है, मैं कोई नहीं होता हूँ किसी के पर्सनल लाइफ में कमेंट करने वाला, लेकिन जब पब्लिकली आकर के ये सारी चीजें हो रही है तो जितना मैं ऑब्जर्व करके समझ पाया हूँ वो ये है कि मुनव्वर फारूकी पूरी तरह से फंसा हुआ दिख रहा है और उसके शक्ल से, उसके बातों से, उसके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि बंदा झूठ बोल रहा है और लड़की जो है वो सच कह रही है। मैं लड़कियों का साथ नहीं देता, जो दिख रहा है वही बता। तो पहला टेक ये है और दूसरा टेक ये है कि भाई खुद मुनव्वर फारूकी ने ये सारी चीजें सेट की होगी अपनी एक्स के साथ, अपने प्रेजेंट के साथ और अभी खुद के साथ कि देखो आधे सीजन आने के टाइम पे जो है तुम जाकर के एक इंटरव्यू दे देना, उसके बाद से तुम बिग बॉस के घर में घुसाना, घुसने के बाद से मेरी बात मेरी एकदम रख के बजाना, उसके बाद से लोगों का फोकस फिर से मेरे तरफ हो जाएगा और फिर जो है हम धीरे धीरे नॉर्मल होते जाएंगे, फिर हंसी खुशी आगे पक्की करते हुए बाहर निकल आएंगे। मुझे लगता है नहीं है, पर फिर भी ऐसा मैं सोच रहा था। वो
दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस थिंग. व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट. यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद. अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो.